आपका प्रश्न है, पशु पक्षियों को यातनाएं जो मिलती हैं उनसे ज्यादा हमें महसूस होते हैं। क्या यह हमें ड्रामा का पाठ पक्का कराने के लिए है? आपने मेरे पास पशु पक्षी जीव जंतुओं के दुर्घटनाओं की वीडियोस भी भेजी जिनको मैंने देखा, क्योंकि उसी के आधार पर आपने प्रश्न किया। क्योंकि जैसे गाय को बहुत बड़ा घाव है, डॉग को बहुत बुरी तरह से घाव है, दुखी हैं, अब वो चुप हैं बेचारे। आपकी टीम या जो भी पशुओं की देखभाल करने वाले, पशुओं के प्रति दया भाव रखने वाले हैं, और वो उनको जाकर उठा कर लाते हैं, उनका इलाज करते हैं, वो बच पाते हैं कि नहीं बच पाते हैं, कितनी पीड़ा कितना दर्द उनको उठाना पड़ता है। जैसे एक क्लिप मेरे पास भेजा था कि वो डॉग को एक ट्रक वाला कुचल गया, रगड़ गया, और काफी देर मर जाता तो जान छूट जाती, परंतु वो 1 घंटे तक तड़पता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा। 1 घंटे बाद जाकर के उसका शरीर शांत हुआ। क्या है उनको ये यातनाएं क्यों मिलती? वो शायद इतनी यातनाएं महसूस करते हों या ना करते हों, फीलिंग ना करते हों, परंतु उनसे हमें हमें जरूर समझ में आता है। उनके पास तो ये बुद्धि है नहीं कि हमें क्यों ये चोट मिल रही है, क्यों दुख मिल रहा है, क्यों पीड़ा मिल रही है। उनको देखकर समझ में आता है कि ड्रामा में इन आत्माओं का ऐसा पार्ट है। इसी प्रकार हमें भी ड्रामा का पार्ट समझ में आता है कि ड्रामा एक्यूरेट है। हम उनको देखते हैं, वो भी आत्माएं हैं, हम भी आत्माएं हैं। इसी प्रकार की यातनाएं पशु पक्षियों की तरह मनुष्य भी ले रहा है, वो भी आप देखते हैं। हर बात हमें ड्रामा का पार्ट पक्का कराती है कि ड्रामा जो है ये एक्यूरेट है। इसमें कोई भी डाउट नहीं, क्योंकि इतना दुख उनको मिलता हो या ना मिलता हो, परंतु हमें जरूर दुख होता है। क्योंकि जो भावुक दिल वाले होते हैं, भावना वाले होते हैं, जो कठोर दिल होते हैं, जिनको जरा भी प्यार नहीं, जरा भी भावनाएं नहीं है, तो भावनाएं शुष्क हैं, तो वो तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई तड़प रहा है, कोई दुखी है, कोई मर रहा है, नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो जो भावुक आत्माएं होती हैं वो जरूर भावनाओं में आती हैं, वो उनकी सेवा भी करती हैं, उनको जो सुविधाएं प्रदान करानी होती हैं वो कराती हैं। तो ये हर सीन, खाली यही नहीं, हर सीन हमें ड्रामा का पार्ट पक्का करता है। मेरे हाथ से खाते हुए यदि कोई फल गिर गया है, मैंने उसे उठाया है, अब मैंने उसे फिर से धोया है, तो क्या हुआ? कुछ न कुछ ड्रामा अनुसार उस फल में से धोने के कारण बह जाना था। धो लिया था, दोबारा धोना पड़ा, कुछ और बह कर जाना था। यदि वो गिरता नहीं है, उसे दोबारा धोता नहीं, क्योंकि वो तत्व ड्रामानुसार जिस जीव के पास जिस स्थान पर पहुंचने हैं, वो पानी से बहकर वहां पहुंचेंगे। उसे कौन सा जीव, कौन सा, कैसे उसका परिवर्तन होगा? जबकि वो सब बहकर कहीं गया है, मैंने खाया है, उसमें से कुछ हिस्सा कहाँ गया, कुछ हिस्सा कहाँ गया, कुछ छिलके कहाँ गए, परंतु ड्रामानुसार दोबारा इस समय वही फल बनकर मेरे पास दोबारा आएगा। मैंने उसको फैला दिया,
छिलके मैंने कहीं दिए, पानी से धोकर कहीं भेजा, खाया मैंने कुछ वो कहीं गया, उसमें से किसी और ने फल ले लिया, टुकड़ा ले लिया, वो उसके पास गया, मतलब कहाँ कहाँ फैल गया। परंतु ये देखिए कि फल बनने के समय वापिस वो एलिमेंट्स वहाँ पर जाएंगे और फल बन करके मेरे हाथ में फिर से बिखरने के लिए आएंगे। हर सीन, हर इवेंट हमें ड्रामा की याद दिलाता है, ड्रामा की याद दिलाता है। किसी का व्यवहार मेरे प्रति मुझे पसंद नहीं आ रहा तो भी ड्रामा याद आ रहा है, क्योंकि मैंने मेरे व्यवहार से वो खुश नहीं हुआ था, आज उसके व्यवहार से मैं खुश नहीं हो रहा हूं। तब तो ड्रामा की बात तो याद दिलाने में हर चीज सही होगी, और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर व्हाट्सएप करें। ओम।